नमस्कार बिग दोस्तों जीरो तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। पहले दोस्तों सॉरी देते हैं दिल से दोस्तों, माफी चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों आपके साथ मैच लाने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम है राज दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इसी के साथ दोस्तों एक तरफ है मैनचेस्टर और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर साउथ एंड, एक तरफ है दोस्तों यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर स्मृति मंदाना यहाँ पर जो कि इंडियन कलर्स रह चुकी हैं दोस्तों स्मृति मंदाना। तो इसी के साथ दोस्तों लाइव मैच पर आते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो लाइव मैच पर दोस्तों आते हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो कि मैनचेस्टर ने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर टॉप है कि जो कि टॉस जीता, तो मैनचेस्टर की जो टीम है वो टॉस को हार गई थी। इसी के साथ में 33 गेंदों का खेल हो चुका है और 33 गेंदों में जो यहाँ पर रन बने हैं वो बने हैं दोस्तों 43 रन है विकेट के नुकसान पर। तो इसी के साथ यहाँ पर एडम, यहाँ पर ग्लेंडर एडम दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं ओवर द विकेट से। दोस्तों बता दें कि पटकी हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बॉल अवैध ने सीधे बल्ले के साथ खेला, एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की क्लास में आसानी से दोस्तों एक रन देखने को मिलेगा और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 44 पर एक विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो मैनचेस्टर की टीम है तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है, मगर यहाँ पर जो कि विकेट है दोस्तों तो विकेट यहाँ पर गिर चुका था जो कि एडम्स ने यहाँ पर ग्रैंडल एडम्स ने यहाँ पर विकेट लिया था। और करंट रन रेट पर आप नज़र बना के रखिएगा, करंट रन रेट यहाँ से 6.43 का चल रहा है। तो उसी के साथ यहाँ पर मॉरिस 17 बोलों में 24 रन बनाकर खेल रही हैं और यहाँ पर लोके बॉल्ट की बात करें तो लोके बॉल्ट यहाँ पर 12 बोलों में 14 रन बनाकर खेल रही हैं। इसी के साथ में यहाँ पर 35 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, मतलब यहाँ पर 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि नए ओवर की यहाँ पर शुरुआत है और देखा जाएगा कि यहाँ पर मॉरिस के सामने दोस्तों कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं, यहाँ पर बताऊँगा स्मृति मंदाना। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं यहाँ पर जो कि बॉलर वो एक राउंड द विकेट से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मॉरिस ने दोस्तों बता दें कि सीधे बॉल लॉन्ग ऑन पर खेला, मगर मिस फील्डिंग के चलते आसानी से एक रन यहाँ पर लेने में कामयाब रहेंगे। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 46 पर एक विकेट के नुकसान पर। लोका बॉल्ट के पास स्ट्राइक आ चुकी है, अगर फिर से दोस्तों बता दें कि गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, बिल्कुल बता दें कि यहाँ पर प्लानिंग के साथ यहाँ पर कर रही है दोस्तों मैनचेस्टर की टीम है, वो अभी क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ना ही दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि वुमेंस टीम है और ना ही दोस्तों मैंस टीम है, तो दोनों टीमें जब मैंस और वुमेंस दोनों टीमें दोस्तों चाहेंगी कि आज हमें क्वालिफाई करते हुए दिखेंगे। और इसी के साथ ये बता दें कि ये मैच यहाँ पर दाव पे लगा है, करो या मरू की स्थिति है दोनों टीमों के पास और देखा जाएगा दोस्तों कौन सी टीम इसी मैच में जीतेगी। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगली बॉल लेकर तैयार है मॉरिस के सामने और मॉरिस ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों बल्ले का इनसाइड गेंद लगी है यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में दोस्तों, पहला रन तो तेजी से दौड़ लिया यहाँ पर मॉरिस ने दोस्तों, दूसरा भी यहाँ पर दौड़ लेंगे और इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 49 पर एक विकेट के नुकसान पर। 38 बोलों का खेल समाप्त हो चुका है दोस्तों और इसी के साथ में क्या हाल है लॉन्डो ओपनर के दोस्तों, जो अपने यहाँ पर हाल है दोस्तों वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। पहले वहाँ पर बहुत सॉरी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर माफ़ करना दोस्तों कि मैं आपके साथ यहाँ पर मैं पहले नहीं जुड़ पाया, थोड़ा सा लेट हो गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं यहाँ पर जो कि गेंदबाज एक बार फिर से अपने छोर को बदलेंगे, अब तक यहाँ पर राउंड द विकेट से दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर द विकेट से आए गेंदबाजी करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर कदमों का इस्तेमाल लगातार यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा कदमों का इस्तेमाल करा जा रहा है और कदमों का इस्तेमाल क्यों करा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बता दें कि पिच रिपोर्ट के अनुसार ये दोस्तों बता दें कि ये पिच यहाँ पर थोड़ी सी स्लो होती जा रही है, जैसे जैसे खेल यहाँ पर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पिच और स्लो होती जाएगी। तो इसी के साथ मैनचेस्टर की टीम यहाँ पर पहुँच चुके हैं 50 पर 40 बोलों में, अभी भी 60 गेंदों का खेल बचा है दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर दो क्योंकि 40 ओवर मतलब 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, लास्ट के 12 ओवर बचे हैं। 12 ओवर में देखेंगे कि मैनचेस्टर की टीम यहाँ पर कितने रन और बना लेती है, अगर यहाँ से अगर 100 रन अगर और बना लेती है दोस्तों, इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी चालू रही, अगर यहाँ से दोनों बल्लेबाज चाहे मॉरिस हो चाहे लोके बॉल्टा हो दोस्तों, अगर दोनों बल्लेबाज दोस्तों इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो मेरे हिसाब से दोस्तों तो हमें 150 प्लस रन देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मौर्य आ चुके हैं, अगर पहले ओवर में मौर्य ने यहाँ पर जो कि 8 रन दिए थे 5 बोलों में, एक बार फिर से मौर्य अगली बॉल लेकर तैयार है। इस बार दोस्तों बता दें कि यहाँ पर राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए आए, पहली बॉल दोस्तों यहाँ पर गुड लेंथ पर और दोस्तों बता दें कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर स्कोर लेग की दिशा में यहाँ पर आसानी से दोस्तों खेलेंगे, एक रन आसानी से ले लिया। तो जब तक दोनों खिलाड़ी दोस्तों गेंद को फील्ड करेंगे तब तक आसानी से एक रन चुरा लिया गया दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अभी तो जिस तरह से मौर्य यहाँ पर जो गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों, बता दें कि मौर्य तो वैसे यहाँ पर तेज गति की गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर पिच पर दोस्तों गेंद ये रुक कर आ रही है तो दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर गेंदबाजी तो अच्छी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी चल रही है, मगर अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर स्मृति मंदाना के टीम के सामने दोस्तों बता दें कि इतने रन
काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगली बॉल लेकर तैयार है मॉरिस ने यहाँ पर क्या बेहतरीन शॉट के साथ यहाँ पर एक और चौका। अब ये चौका आया दोस्तों एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी थोड़ा सा फाइन रखा था दोस्तों बता दें कि इसमें मंदाना ने, और जिसके कारण यहाँ पर बेहतरीन चौका देखने को मिलेगा और उसी चौके के साथ टीम का स्कोर दोस्तों हमें यहाँ पर पहुंच जाएगा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 56 पर एक विकेट के नुकसान पर। बढ़िया तरीके से गेंदबाजी चल रही है, क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी, और ऐसा लग रहा है दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो मैनचेस्टर की टीम है दोस्तों बता दें कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की जो टीम है दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगली बॉल लेकर मौर्य और ओवर द विकेट साइज, इस बार दोस्तों बता दें कि फ्लाइटेड बॉल कट करने की कोशिश मॉरिस के द्वारा, मगर यहां पर वीट हो जाएंगे दोस्तों और सीधे विकेट कीपर के पास गई। एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि अगली बॉल लाने के लिए तैयार है, देखा जाएगा कि यहाँ पर मौर्य अगली बॉल किस तरह से लेकर आएंगी। अगली बॉल लेकर तैयार है मौर्य ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों खेला है, यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश करी गई थी मगर बल्ले का इनसाइड एज लगी, गेंद गई स्क्वायर लेग दिशा में और यहाँ पर गेंदबाज ने खुद दोस्तों गेंद को फील्ड करा। इसी के साथ यहाँ पर 45 गेंदें समाप्त हो जाएंगी और 45 गेंदों में यहाँ पर टीम का स्कोर बना है 57 पर 5 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करती नजर आ रही है मॉरिस। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों वोल्टा की, तो वोल्टा भी दोस्तों बता दें कि ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाज है, और हम जब आईपीएल हो रहा था वुमेन, और अगर मैं बात करूँ वुमेन आईपीएल मतलब यहाँ पर जो कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की जो यहाँ पर बीच यहाँ पर फाइनल मैच हो रहा था, वहाँ पर लौका वोल्टा ने ही दोस्तों बता दें कि स्मृति मंदाना के साथ बहुत ही अच्छी तगड़ी यहाँ पर पार्टनरशिप करते हुए मुंबई इंडियंस को यहाँ पर पहला खिताब जितवाया था वुमेन आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों बता दें कि नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है, देखा जाएगा कौन सा गेंदबाज दोस्तों नया ओवर लेकर आता है। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आइए एक बार फिर से दोस्तों एडम आ चुके हैं पर गेंदबाजी करने के लिए। एडम ने की पहली बॉल ओवर द विकेट से दोस्तों बता दें कि कदमों का इस्तेमाल करते हुए लौका वोल्टा ने गेंद को मारा है स्कोर लेग की दिशा में, आसानी से एक रन देखने को मिलेंगे और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 58 पर। अभी भी दोस्तों बता दें कि जिस तरह से रन रेट बने यहाँ पर जो कि रन बने चाहिए थे काफ़ी बेहतरीन तरीके से रन निकलते नजर आ रहे हैं और दोनों हर ओवर में दोस्तों बता दें कि पहले दोनों बल्लेबाज बहुत ही समझदारी के साथ खेल रहे हैं, इस पिच को दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छे तरीके से भांप लिया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि 4-5 गेंदों तक दोस्तों बता दें दोनों बल्लेबाज सिंगल से यहाँ पर जो कि टारगेट को आगे जो कि स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद एक बेहतरीन गेंद पर यहाँ पर चौका लगा देते हैं, तो जो रन रेट जो रन है दोस्तों वो यहाँ पर 7 रन 8 रन हर ओवर में दोस्तों आ जाते हैं। तो इसी के साथ में 2 गेंदों पर 2 रन आ चुके हैं, अभी भी तीसरी बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर गेंदबाज दोस्तों अगली बॉल लेकर आ रहे हैं, तेज गति की गेंदबाजी करते आप जब करती हुई नजर आ रही है। इसी का दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं, अगली बॉल दोस्तों बता दें कि पैरों पर गेंद को फ्लिक करा है, गेंद गए दोस्तों सीधे मिड विकेट की दिशा में, आसानी से एक रन देखने को मिलेगा और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 7 पर एक विकेट के नुकसान पर। 48 बॉलों का खेल हो चुका है, 48 बॉलों का खेल हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ और अब तक 4 बॉलों का खेल हो चुका है, 4 बॉलों में टीम का दोस्तों बता दें कि मैनचेस्टर की टीम ने 4 बॉलों पर 4 रन बटोर लिए हैं और देखा जाएगा कि अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हैं, सामना करा जाएगा दोस्तों बता दें कि लौका वोल्टा के द्वारा। अगली बॉल दोस्तों इस ओवर की आखिरी बॉल है, सामने है दोस्तों बता दें कि सूरी बॉल्स, लौका वोल्टा के सामने सूरी बॉल्स दोस्तों आखिरी बॉल लेकर तैयार है। आखिरी बॉल दोस्तों बता दें कि अगली बॉल फ्लाइटेड बॉल पैडों पर गेंद अपील करी गई दोस्तों, बाल बचे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों आखिरी बॉल थी और बाल बचे। उसी के साथ बता दें कि 50 बॉलों का खेल समाप्त हो जाएगा, 50 बॉलों के खेल में दोस्तों बता दें कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम वुमेन की टीम ने दोस्तों बता दें कि 50 बॉल में रहते यहाँ पर 61 रन बना लिए हैं विकेट के नुकसान पर। मॉरिस के पास यहाँ पर स्ट्राइक है और देखा जाएगा दोस्तों किस तरह करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि मैनचेस्टर टीम के जो कप्तान है दोस्तों वो बातचीत करते हुए नजर आ रही है दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ऑन फील्ड पर। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अभी तक दोस्तों बता दें कि मैच से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है दोस्तों तो आप हमारे पास से पहुँचाइएगा ज़रूर। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि इस मैच को कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, और अभी तक दोस्तों बता दें कि 50 बॉलों का खेल हो चुका है। अगली दोस्तों बता दें कि अगला ओवर लेकर फिर से तैयार हैं, यहाँ पर 11वां ओवर फेंका जाएगा, देखा जाएगा कि 11वें ओवर को कौन सा गेंदबाज लेकर आता है। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है, सामने बल्लेबाज है दोस्तों मॉरिस, और मॉरिस दोस्तों बता दें कि एक तरफ से दोस्तों क्या बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करी है दोस्तों बता दें कि यहाँ पर फ्लाइटेड बॉल, और फ्लाइटेड बॉल को दोस्तों यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, आसानी से यहाँ पर पहला रन तो तेजी से दौड़ लिया गया है और दूसरा रन भी दोस्तों तेजी से दौड़ लें यहाँ पर लेंगे और इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 63 पर 2 विकेट के नुकसान पर।
एक बार फिर से दोस्तों तैयार है गेंदबाज मॉरिस के लिए, और यहाँ पर फील्डिंग में तब्दीली हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल यहाँ पर फ्लडेड बॉल, मॉरिस इस बार दोस्तों स्वीप करेंगे सीधे फील्डर के हाथों, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। तो इसी के साथ दो यहाँ पर पहली बॉल पर तो दो रन प्राप्त हो चुके थे, उसके बाद यहाँ पर अगली बॉल पर दोस्तों देखने को मिले यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो वहाँ पर सिंगल रन। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा दोस्तों वहाँ पर गेंद मॉरिस के द्वारा। अब देखना होगा कि मॉरिस किस तरह से करेंगे, और ये कहीं ना कहीं जो तरीके यहाँ पर मॉरिस जो निकाय हैं वो बिल्कुल यहाँ पर जो कि यहाँ पर जम चुके हैं ग्राउंड पर। तो इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल यहाँ पर, अगली बॉल फिर से यहाँ पर चालाकी भरी गेंदबाजी, फ्लाइटेड बॉल, फ्लाइटेड बॉल को दोस्तों कदमों का यहाँ पर स्टेप आउट करके यहाँ पर कवर के ऊपर से मार दिया है दोस्तों। गेंद हवा में है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दो रन बटोर लिए जाएंगे, और दो रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 65 पर। एक बार फिर से दोस्तों मॉरिस यहाँ पर लगातार यहाँ पर रन बनाते नजर आ रही है, और मॉरिस पहुँच चुके हैं दोस्तों 40 पर। एक बार फिर से दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है, अगली बॉल पर यहाँ पर इस ओवर की चौथी बॉल, और चौथी बॉल पर आसानी से एक रन के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलेंगे और एक ही रन देखने को मिलेगा। दो रन की मांग जरूर करी गई थी दोस्तों मॉरिस ने, मगर आपको बता दें कि एक ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 66 पर एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से दोस्तों लौका के पास यहाँ पर स्ट्राइक आ चुकी है, लौका वोल्टा के पास, और लौका वोल्टा भी दोस्तों बता दें कि चालाकी के साथ यहाँ पर आसानी से एक रन देखने को मिलेंगे। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 67 पर एक विकेट के नुकसान पर। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मॉरिस ने 30 बॉलों पर यहाँ पर तो 41 रन बना दिए है। उसी समय लौका वोल्टा की अगर मैं बात करता हूँ तो लौका वोल्टा की जो टीम है दोस्तों उन्होंने 19 बॉलों में 19 रन बनाए, मतलब यहाँ पर 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी अपल कर रहे हैं। और एक बल्लेबाज दोस्तों बता दें कि 140 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर 45 बॉलों का यहाँ पर खेल और बजाय मैनचेस्टर के पास। और जो मैनचेस्टर की अगर मैं बात करूँ देखना देखना जाएगा दोस्तों किस तरह करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कमेंट्री दोस्तों चलती हुई नजर आ रही है दोनों टीमों की। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि 100 लीग 100 लीग दोस्तों वुमेन BBVC तो बिग बैस लीग अभी नहीं दोस्तों स्टार्ट है, तो बिग बैस लीग का अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो जनवरी तरफ होती है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि नया ओवर लेकर तैयार है। एक बार फिर से गेंदबाज देखा जाएगा कि अगले ओवर को दोस्तों कहाँ से करती हैं, और देखना होगा कि दोस्तों बता दें कि मॉरिस के पास स्ट्राइक है, क्या मॉरिस यहाँ पर जो कि गेंदबाज के पास दोस्तों यहाँ पर जोखिम लेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं, आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर वॉट, यहाँ पर वॉट दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। वॉट की अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर अगली पहली बॉल दोस्तों यहाँ पर अपना पहला ओवर लेकर आएंगे। पहली बॉल पर दोस्तों यहाँ पर जो कि स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, आसानी से दोस्तों एक रन देखने को मिलेंगे। एक रन के साथ दोनों बता दें खिलाड़ी दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हो जाएगा 67 पर एक विकेट के नुकसान पर। और अभी तक दोस्तों बता दें कि दोनों दो गेंदें हुई हैं, दो गेंदों पर यहाँ पर जो कि एक एक रन के साथ यहाँ पर जो कि स्ट्राइक को यहाँ पर परिवर्तित करा जा रहा है। और एक एक रन के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता रहूँ दोस्तों तो यहाँ पर एक एक रन के साथ यहाँ पर जो कि स्कोर बोर्ड को चलाया जा रहा है। और देखना होगा कि तेज गति की गेंदबाज यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी दोस्तों कब देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि एक बार फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है। इस बार दोस्तों बता दें कि मैं जो कि बता दें कि मॉरिस बैकफुट पर जाकर पहुँच करेंगे, आसानी से एक रन और देखने को मिलेगा। और इसी एक रन के चलते दोस्तों बता दें कि मैनचेस्टर की टीम पहुँच जाएगी दोस्तों 70 पर एक विकेट के नुकसान पर। 58 बॉल का यहाँ पर खेल हो चुका है। एक बार फिर से दोस्तों बता दें कि अभी तक जिस तरह से यहाँ पर गेंदें हुई, यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से गेंदबाजी चल रही है दोनों बल्ले यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं बात करूँ दोस्तों हाँ से स्मृति मंदाना की टीम के साथ स्पेस्टम के साथ दोस्तों बता दें साउटन के साथ दोस्तों बता दें कि साउटन ब्रेव की जो टीम है दोस्तों उसके द्वारा यहाँ पर गेंदबाजी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है। मगर इस बल्लेबाजी को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि और कितने अच्छे रन बटोर लिए जाते हैं। इसी के साथ में 4 बॉलें हो चुकी हैं, 4 बॉलों में टीम का स्कोर हुआ है 71 पर एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी शेष एक गेंद बची है, और मॉरिस यहाँ पर 32 बॉलों में दोस्तों यहाँ पर 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। उसी साल में लौका वोल्टा की अगर मैं बात करूँ तो लौका वोल्टा को भी दोस्तों तेज गति के साथ रन बनाने होंगे, क्योंकि बता दें कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 45 गेंदों का शेष खेल और बचा है। तो मेरे हिसाब से अगर तेज गति के साथ रन बनाते तो दोस्तों बता दें कि मैच बन सकता है। इसी साल में टीम का स्कोर हो चुका है 59 पर यहाँ पर 59 बॉलों पर। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि वोल्टा की अगली बॉल दोस्तों बता दें कि बिल्कुल यॉर्कर गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा अगर ना लगता तो दोस्तों बोल्ड होने के चांस यहाँ पर बढ़ सकते थे। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 60 बॉलों का खेल समाप्त हो चुका है, लास्ट को यहाँ से 40 बॉलों का खेल और बचा है। एक मैनचेस्टर की टीम पहुँच चुकी है यहाँ पर 71 पर एक विकेट के नुकसान पर। वोल्टा की अगर मैं बात करूँ लौका वोल्टा दोस्तों बता दें कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर जो कि बल्लेबाजी तो कर रही हैं। एक बार फिर से दोस्तों आ चुके हैं एडम, और एडम ने दोस्तों बता दें कि एक खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने यहाँ पे विकेट निकाला था। इतना दोस्तों बता दें कि एडम आ चुके हैं अपना 3रा ओवर लेकर, और सामने है दोस्तों लौका वोल्टा की टीम। लौका वोल्टा दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं। इस ओवर की पहली बॉल दोस्तों देखिए कदमों का यहाँ पर जो कि अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करी गई, मगर उनको फॉलो करा गया
और दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि फ्लॉक स्वीप करने की कोशिश, मगर बल्ले कांदुरू के रन लगकर उनके पैडों पर लगी और यहाँ पर रन लेने का कोई भी मौका नहीं देखने को मिला। इसी के साथ में पहली बॉल डॉट हो चुकी है। एक बार फिर से अगली बॉल लाने के लिए तैयार हैं एडम, मगर दूसरी बॉल पर दोस्तों बता दें कि क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए आसानी से एक रन देखने को मिलेगा और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 72 पर। और एक बार फिर से दोस्तों स्ट्राइक जो आ चुकी है वो मॉरिस के पास स्ट्राइक आ चुके हैं। और अभी तक दोस्तों बता दें कि दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर अगर लौका बोल्टा की अगर मैं बात करूँ तो लौका बोल्टा दोस्तों दोनों तरीके जो बल्लेबाज हैं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत ही रक्षात्मक तरीके से, बहुत ही डिफेंडेबल तरीके से इस पारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों क्या यहाँ पर 140 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है क्या, जिस हिसाब से दोस्तों करंट रन रेट चल रहा है। अगर मैं इस करंट रन रेट का दोस्तों बता दूं कि अगर इसका ऐसा ही करंट रन रेट अगर चलता रहा तो आपको कितने रन हमें देखने को मिल सकते हैं इस यहाँ पर जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की वुमेन की टीम अगर इसी तरीके से अगर खेलते रहे तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर तेज़ गति के साथ अगर यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और आपको बता दें कि अगर मैं जो कि प्रोजेक्टिव स्कोर की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कितने रन और देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, अगर इसी तरीके से दोस्तों बता दें कि अगर बल्लेबाजी चलती रही तो मेरे हिसाब से दोस्तों 116 रन देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ से 7 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो दोस्तों तो वहाँ पर 145 रन, अगर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 9 रन अगर प्रति ओवर बनाएंगे दोस्तों तो 160 के करीब हमें रन देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग एवरेज की बात करी जाए तो वहाँ पर स्कोर वैन्यू यहाँ पर वेन्यू स्कोर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो स्कोर वेन्यू पैटर्न में दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट इनिंग जो एवरेज रहता है वो एवरेज रहता है। यहाँ पर टाइम आउट की घोषणा कर दी है, टाइम आउट के साथ यहाँ पर 65 बॉलों का खेल समाप्त हो चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 75 पर एक विकेट के नुकसान पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर स्कोर जो कि वेन्यू स्कोर पैटर्न की, तो फर्स्ट इनिंग में जो हमें एवरेज स्कोर देखने को मिलता है इस पिच के हिसाब से तो दोस्तों वो यहाँ पर 129 का है। सेकेंड इनिंग में दोस्तों हमें देखने को मिलता है वो है 98 का। जो सेकेंड इनिंग में एवरेज करते हैं जो टीम यहाँ पर रन चेस करती है दोस्तों वो यहाँ पर ज़्यादा मुकाबले जीत नहीं पाती है यहाँ पर रन चेस करते हुए इस मुकाबले को दोस्तों बता दें कि इस ग्राउंड पर। और इसी के साथ में अगर हाईएस्ट टोटल की अगर मैं बात करता हूँ तो हाईएस्ट टोटल 164 का रहता है। और विनिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ जो भी टीम दोस्तों बता दें कि अभी तक इस ग्राउंड पर 100 लीग के दोस्तों यहाँ पर जो मैच हुए हैं वो 9 मैच हुए हैं दोस्तों, मेंस और वुमेंस की टीम को दोस्तों मिलाकर 9 मैच हुए हैं। तो 9 मैच में दोस्तों बता दें कि 3 बार यहाँ पर जो कि स्कोर को डिफेंड करती हुई टीम जीती है, 9 बार दोस्तों बता दें कि टीम को चेस करती हुई टीम जीती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि अभी साउथम पैटर्न ब्रेव की दोस्तों टीम है उन्होंने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो निर्णय है वो शायद इसी के लिए लिया होगा कि बता दें कि उनके वो रन चेस करना चाहती हैं। और यहाँ पर साउथन ब्रेव की जो टीम है दोस्तों बता दें कि उनके पास बल्लेबाजी 8 नंबर तक है, तो काम वो चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर यहाँ से अगर 140 145 तक का टारगेट बनता है तो साउथन ब्रेव के पास वो यहाँ पर काबिलियत है, वो बिल्कुल आराम से दोस्तों यहाँ पर रन चेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें कि यहाँ पर अगर मैं वेन्यू की अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो वेन्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 11% दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि बारिश आने के चांस है। और अभी तक दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि आसमान खुला हुआ है, सूरज दिख रहे हैं दोस्तों, बता दें कि दिन का मैच है तो अभी तक दोस्तों बारिश का यहाँ पर कोई भी दोस्तों चांस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमिडिटी दोस्तों यहाँ पर 70% है। और अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों हवा की, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मगर हवाएं ज़्यादा दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सूरज दोस्तों धूप तो खिली हुई है मगर यहाँ पर हवाएं जो हैं वो 7% यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर बह रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि गेंदबाजी बाद में दोस्तों और कठिन हो जाएगी। तो अगर मैनचेस्टर की टीम या अगर मैनचेस्टर की टीम वुमेन की टीम दोस्तों बता दें कि अगर यहाँ से 140 तक अगर टारगेट को अपना ले जाती है तो मेरे हिसाब से साउथर प्रेम ब्रेव के सामने दोस्तों यहाँ पर चुनौती आ जाएगी, क्योंकि बता दें कि ये पिच यहाँ पर है और ये ग्राउंड दोस्तों जैसे जैसे खेल आगे बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे ये ग्राउंड दोस्तों ये पिच यहाँ पर और स्लो होती जाएगी, तो यहाँ पर देखना होगा किस तरह करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बता देता हूँ कि टाइम आउट की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। और टाइम आउट की समाप्ति होती हुई दोस्तों बता दें कि शुरू बॉल सर दोस्तों यहाँ पर अगला ओवर लेकर आते हैं, अपना तीसरा ओवर दोस्तों माफी चाहूँगा तो चौथा बॉल अपना तीसरा ओवर लेकर आते हैं। उसी के साथ दोस्तों बता दें कि तीसरे ओवर की पहली बॉल पर देखना होगा किस तरह करेंगे। इसी के साथ में पहली बॉल पर दोस्तों बता दें कि कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है और यहाँ पर पहला रन तो यहाँ पर तेजी से दौड़ लेंगे, दूसरा रन भी दोस्तों आंखों में चुरा लिया जाएगा और इसी चुराने के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 77 पर एक विकेट के नुकसान पर। 66 बॉलों का खेल हो चुका है और लौका बोल्ट की टीम 25 बॉलों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मॉरिस की, तो मॉरिस 35 बॉलों में 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। और यहाँ पर बोल्टा की भी टीम दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों बता दें कि लौका की टीम भी यहाँ पर जो कि बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्या बेहतरीन तरीके से चौका लगाया गया, इसी चौके के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 81 पर एक विकेट के नुकसान पर। 67 बॉल दोस्तों बता दें कि 67 बॉल हो चुकी है और अभी भी दोस्तों बता दें कि टीम में मैनचेस्टर का स्कोर पहुंच जाएगा 81 पर। क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर चालू है एक तरफ से,
और इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है। अगली बॉल पर आसानी से एक रन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो तीन बॉलों में यहाँ पर 7 रन बटोर लिए हैं। अब देखना होगा कि मॉरिस किस तरह से यहाँ पर जो कि गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बता दें कि दोस्तों बता दें कि मॉरिस ने यहाँ पर सर बॉल्स के सामने काफ़ी ज़्यादा रन बटोरे हैं। तो अगर यहाँ पर जो कि मॉरिस के अगर स्लॉट में गेंद पड़ती है दोस्तों तो यहाँ पर हवाई फायर में दोस्तों हमें भेजती हुई नजर जरूर आ सकती है। इसी के साथ में अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर जो कि मॉरिस के द्वारा सामना करा जाएगा। और देखेंगे कि अगली बॉल को कहाँ करते हैं क्या दोस्तों, एक बार फिर से हवाई शॉट लगेगी क्या। अगली बॉल लेकर तैयार है। अगली बॉल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्या बेहतरीन गेंद, और उस गेंद को दोस्तों बता दें कि कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में। मिस फील्डिंग के चलते दोस्तों 2 रन तो यहाँ पर ले लिए गए और 3रा रन भी दोस्तों यहाँ पर चुरा लिया गया। तो लगातार दोस्तों बता दें कि बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर चालू है मैनचेस्टर वुमेन की टीम और पहुंच चुके दोस्तों। अगर मैनचेस्टर की अगर बात करूं दोस्तों तो मॉरिस यहां पर पहुंच चुके हैं 48 पर में, लोका वोल्टा की टीम दोस्तों बता दें कि यहां पर पहुंच चुके हैं 30 पर 27 बॉलों में। अभी भी यहां पर रुके एक गेंद शेष बची, एक गेंद को दोस्तों यहां पर ड्राइव करेंगे यहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, आसानी से एक रन देखने को मिलेगा। और इसी एक रन के साथ यहां पर स्कोर पहुंच जाएगा 86 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 70 बॉल्स का यहां पर खेल समाप्त हो चुका है मॉरिस के पास। दोस्तों बता दें कि मॉरिस यहाँ पर 36 बॉलों में दोस्तों 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। उसी के साथ में लोका वोल्टा की टीम दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 28 बॉलों में यहाँ पर 31 रन बनाकर खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो बल्लेबाजी है वो बिल्कुल जारी है। 30 बॉलों का खेल और शेष बचा है और देखेंगे कि 30 बॉलों में और कितने रन यहाँ से बटोर लिए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं अगर बता देता हूं कि अगर आपकी मोबाइल की क्वालिटी दोस्तों अच्छी नहीं आ रही है, अगर सही तरीके से आपको अगर स्कोर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो दोस्तों अपनी जो क्वालिटी है उसको जरूर बढ़ा लीजिएगा। और इसी के साथ में मैनचेस्टर का स्कोर पहुंच चुका है 86 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 70 बॉलों का खेल हो चुका है। एक बार भी दोस्तों एक बार फिर से अपना चौथा ओवर लेकर आते हैं कहाँ पर, जो कि कैलेंडी मोरे अगली बॉल लेकर तैयार है। अगली बॉल पर दोस्तों सिंगल आसानी से साथ सिंगल यहाँ पर बटोर लेंगे और इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 87 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी चालू है। मॉरिस अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, सामना करा जाएगा। मगर दोनों बता दें कि मोरे भी बहुत ही चालाक खिलाड़ी है। सिंगल दोस्तों बता दें कि बिल्कुल यहाँ पर जो विकेट की यहाँ पर जो लाइन है उसमें दोस्तों गेंदबाजी करी है और यहाँ पर जो रन दिए रन बिल्कुल नहीं दिए हैं। जो करंट रन रेट पे आप एक बार नज़र बना के रखिएगा कि करंट रन रेट यहाँ तक 6.11 का चल रहा है। और वहीं अगर मॉरिस की तो बात करें दोस्तों, मॉरिस पहुंच चुके हैं इस पर यहाँ पर जो कि 49 पर। एक बार फिर से दोस्तों इस ओवर की तीसरी बॉल सामने है दोस्तों मोरे, और मोरे ने यहाँ पर फ्लाइटेड बॉल को कदमों का इस्तेमाल करते जड़ दिया है दोस्तों एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दोस्तों। क्या बेहतरीन चौका, और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 92 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी चालू है मैनचेस्टर की टीम। और ऐसा नहीं लग रहा था कि जो मैनचेस्टर वुमेन की टीम है वो साउथन ब्रेव के सामने इतनी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर पाएगी। एक बार फिर से दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं और अगली बॉल पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि चौका आ चुका है। तो लोका वोल्टा दोस्तों बहुत ही अनुभवी यहाँ पर गेंदबाज है, उन्होंने सिंगल के साथ यहाँ पर जो कि अपने स्कोर को यहाँ पर परिवर्तित करा है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 4 बॉले हो चुके हैं, तो 4 बॉलों में 7 रन आ चुके हैं। पिछले ओवर में भी दोस्तों 11 रन आए थे, उसे पिछले ओवर में भी यहाँ पर लगातार जो रन का जो बहाव है वो बेहतरीन तरीके से आते हुए में दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं मोरे, ये आखिरी बॉल है। और आखिरी बॉल पर साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि मॉरिस आखिरी बॉल के साथ दोस्तों बता दें कि आखिरी रन आसानी से देखने को मिलेगी। और इसी एक रन के साथ बता दें कि 75 बॉलों का खेल हो चुका है। 75 बॉलों के खेल में टीम जो मैनचेस्टर वुमेन की जो टीम है वो पहुँच चुकी है 94 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 75 बॉलों का खेल हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों बता दें कि कॉलिन मोरे की टीम 15 बॉल में 30 रन बनाकर खेल रही है। और उसी साल में यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ तो 94 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 75 बॉलों का खेल हो चुका है। अभी भी 25 बॉलों का खेल और बचा है, देखेंगे कि 25 बॉलों में और कितने रन यहाँ से बटोर लिए जाते हैं क्या दोस्तों। बता दें कि क्या यहाँ पर क्योंकि एक यहाँ पर 140-145 का टारगेट हमें जो कि देखने को मिल सकता है यहाँ पर जो कि मैनचेस्टर वुमेन की टीम के सामने, वो देखा ही जाएगा दोस्तों। बता दें कि और अपने दोस्तों सवाल हैं मैच से जुड़े हुए वो हमारे पास दोस्तों ज़रूर यहाँ पर भेजते रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। और देखा जाएगा दोस्तों बता दें कि 75 बॉलों का खेल हो चुका है, अभी भी 25 बॉलों का जो खेल है वो शेष 25 बॉलों का खेल अभी बचा है। तो इसी के साथ में देखा जाएगा कि एक ओवर यहाँ से जो कि मोरे का बचा है, एक ओवर दोस्तों सॉल्स वेल्स का बचा है, एक ओवर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि साउथन ब्रेम का बचा है।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों अभी बल्लेबाजी यहाँ पर जो कि चलती हुई नज़र आ रही है मेरे सामने। और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ से, अगर मैं बात करूँ तो चांद, जो कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों चांद पर पहुँचते ही चंद्रयान ने भेजा है संदेश। और आपको बता देता हूँ कि दोस्तों बता दें कि स्कोर हो चुका है यहाँ पर 95 पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहली बॉल पर आसानी से एक सिंगल देखने को मिला है और इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों। बता दें कि सिक्स का दोस्तों यहाँ पर, जो कि अगली बॉल मौर्य ने लेकर तैयार हैं, सामने है दोस्तों मॉरिस। और यहाँ पर बेल की फ्लाइटेड बॉल को दोस्तों ललचाया गया है यहाँ पर मॉरिस के द्वारा। और मॉरिस ने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट हमें देखने को मिला है, बहुत बड़ा विकेट दोस्तों। मॉरिस बहुत ही अच्छी लय में लग रही थी और यहाँ पर 39 बॉलों में दोस्तों 50 पर पहुँच चुके थे। क्या बेहतरीन पारी के साथ दोस्तों बता दें कि बल्लेबाजी कर रहे थे और वेल्स ने आखिरकार यहाँ पर विकेट निकाल दिया दोस्तों। बता दें कि पहले ओवर में यहाँ पर जो कि शुरुआत करी गई थी वेल्स के द्वारा करी गई थी। और यहाँ पर जो कि बता दें कि यहाँ पर डेथ ओवर में यहाँ पर वेल्स आए दोस्तों, चालाकी के साथ उन्होंने गेंदबाजी करी और यहाँ पर जो विकेट है दोस्तों वो मॉरिस का निकाल दिया है। फ्लैटेड बॉल करी थी दोस्तों, ललचाया गया था और लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करी गई थी, मगर बल्ले गेंद का जो संपर्क है, जो कनेक्शन है, वो नहीं देखने को मिला है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि विकेट हमें देखने को मिला, इसी विकेट के चलते बता दें कि यहाँ पर दूसरा जो विकेट है वो गिरा है 95 के नीचे स्कोर पर और 77 बॉल्स हो चुके हैं, अभी भी 23 बॉलों का खेल बचा है दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर जो कि स्लॉग स्वीप करने की कोशिश बल्ले का इनसाइड है दोस्तों, बता दें कि विकेट कीपर के ऊपर से मारने की कोशिश करी गई थी और बल्ले का इनसाइड एज लगी दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर जो कि विकेट कीपर ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ते हुए दोस्तों यहाँ पर अपील करी और सिक्स रन दोस्तों हमें विकेट देखने को मिला है। और सिक्स रन दोस्तों बता दें कि डॉट इन आ चुके हैं दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए। और डॉट इन देखना होगा दोस्तों, बता दें कि अभी तक यहाँ पर मैनचेस्टर वुमेन की जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, जो कप्तान है दोस्तों, वो डॉट इन के ऊपर लगातार दोस्तों भरोसा जता रहे हैं, मगर डॉट इन के बल्ले से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर रन नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर वैसे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं, मगर अभी तक इनके बल्ले से रन नहीं यहाँ पर निकलते नजर आ रहे हैं। इसी में बेल्स अगली बॉल ओवर था विकेट से लेकर तैयार है इस बार दोस्तों। बता दें कि बिल्कुल पैरों पर गेंद, आसानी से दोस्तों एक रन देखने को मिली और इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर हो जाएगा 96 पर 2 विकेट का नुकसान पर। 3 बॉले हो चुके हैं तो 3 बॉलों में बेल्स ने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करी है। ये तीसरा ओवर चल रहा है, 13 गेंदें कर चुके हैं बेल, तो बेल ने 13 गेंदों में यहाँ पर एक विकेट लिया है, वो भी दोस्तों पीछे अपने की तीसरे ही ओवर में। और क्या यहाँ पर मॉरिस का एक बार फिर से दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है, अगली बॉल देखेंगे कि किस तरह करी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों बता दें कि बिल्कुल लेंथ गेंद को पिक करा और हल्के हाथों से खेला है, एक ही रन प्राप्त करेंगे इसी एक रन के साथ। टीम का स्कोर हो जाएगा 97 पर 2 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी यहाँ से 21 बॉलों का खेल शेष और बचा है, देखेंगे कि यहाँ पर 21 गेंदों में और कितने रन बना लिए जाते हैं दोस्तों। बता दें कि डॉटिन ने यहाँ पर एक बॉल पर दोस्तों एक रन बना दिया है और लौका बॉल्टे की टीम दोस्तों बता दें कि 33 बॉलों में यहाँ पर पहुँच चुकी है 39 पर। और आखिरी बॉल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लेकर तैयार है और आखिरी बॉल को दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश करी गई थी, मगर बहुत ही चालाकी के साथ आखिरी बॉल दोस्तों स्लो और गति की डाली। और तो आपको बता दें कि दोस्तों आखिरी बॉल पर डॉट गेंद, इसी डॉट के गेंद चलते बता दें कि 80 बॉलों का खेल समाप्त हो जाएगा। 80 बॉलों का खेल समाप्त होने के साथ टीम का स्कोर पहुंच जाएगा 97 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब शेष वहाँ से 20 गेंदें बची हैं और 20 गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन यहाँ पर बना लिए जाते हैं दोस्तों। बता दें कि यहाँ पर क्या बेहतरीन है दोस्तों पारी देखने को मिली थी दोस्तों पिछले मैच में यहाँ पर हैरी बुक के, जो कल का मैच हुआ था दोस्तों मेंस का, और उसमें दोस्तों बता दें कि बहुत बढ़िया तरीके से पारी देखने को मिली थी हैरी बुक के द्वारा और यहाँ पर 9 बॉल में 16 रन बनाए थे दोस्तों। और इसी तरीके से पारी यहाँ पर जो कि वोल्टा के द्वारा हमें जो आवश्यकता है दोस्तों मैनचेस्टर की टीम को। और डॉटन भी दोस्तों बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करती हैं और देखा जाएगा दोस्तों किस तरह करेंगे। और अभी भी यहाँ से क्योंकि बल्लेबाजी अभी तक जारी है और सिक्स रन में कैलॉस ब्रैडवेट दोस्तों बता रहे कि इस मैच का यहाँ पर जो कमेंट्री करते नजर आ रहे हैं कैलॉस ब्रैडवेट भी दोस्तों, जब जब इनको देखता हूँ ना तब तक तो यहाँ पर 5 छक्के याद आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कि अगर मैं बात करूँ क्योंकि मारे गए थे यहाँ से क्योंकि बैन स्ट्रोक से ऊपर। इसी तरह दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा दोस्तों। बता दें कि अगली बॉल लेकर तैयार है, अगली बॉल पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्योंकि थ्रू हो जाएगा यहाँ से जो कि 16वें ओवर की पहली बॉल पर आसानी से दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मगर यहाँ पर आसानी से दोस्तों बता दें कि बल्ले का इनसाइड एज गेंद लगी दोस्तों यहाँ पर जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, आसानी दोस्तों सिंगल देखने को मिलेगा और इसी दौरान कैसा टीम का स्कोर हो जाएगा 100 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉलों का खेल और बचा है और एडम यहाँ पर ग्लेंडर एडम दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है। एडम ने दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से गेंदबाजी करी है और हम चाहते हैं दोस्तों इसी तरीके से बल्लेबाजी चली रहे। और टीम का स्कोर हो चुका है 100 पर 2 विकेट के नुकसान पर। डॉटन 2 बॉलों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, उसी साल में यहाँ पर लौका वोल्टा की टीम दोस्तों बता दें कि 35 बॉलों में 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस ओवर की अगली बॉल
सामने है दोस्तों एडम, और एडम ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए आसानी से एक रन देखने को मिलेगा। इसी एक रन के चलते टीम का स्कोर एक बार फिर से दोस्तों हमें देखने को हो जाएगा 101 रन दो विकेट के नुकसान पर। और वोल्टा की टीम दोस्तों कहते हैं कि 35 गेंदों में यहाँ पर जो कि इलाका वोल्टा यहाँ पर 35 बॉलों में दोस्तों 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। डॉट इन 3 बॉलों में यहाँ पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं और 3 गेंदें हो चुकी है, तो 3 गेंदों में अभी तक यहाँ पर पहली बॉल पर 2 रन, उसके बाद यहाँ पर जो कि दूसरी बॉल पर 1 रन, तीसरी बॉल पर 1 रन, तो अभी तक यहाँ पर जो कि 4 बॉलें हो चुकी हैं, तो 4 बॉलों पर अभी तक कोई बड़ा शॉट हमें नहीं देखने को मिला है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और अभिषेक के साथ दोस्तों टीम का स्कोर हो चुका है 102 पर 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है, मगर दोनों बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो दोनों बल्लेबाज दोस्तों एक दूसरे से बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि यहां से दोस्तों बता दें कि ये पिच स्लो है और ये पिच पर दोस्तों बता दें कि बिना कदमों का इस्तेमाल करे हुए दोस्तों रन नहीं बटोरे जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि डॉट इन ने यहाँ पर खड़े खड़े दोस्तों लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, आसानी से एक रन प्राप्त करेंगे और इसी एक रन के साथ 25 यहाँ पर 85 बॉलों का खेल हो जाएगा समाप्त। 85 बॉलों का खेल समाप्त होने के साथ यहाँ पर जो कि 103 पर 2 विकेट का नुकसान पर, और अभी भी यहाँ से 15 बॉलों का खेल बचा है। 15 बॉलों के खेल में देखेंगे कि और कितने रन यहाँ से बटोर लिए जाते हैं। और लोका बोल्टा की टीम 236 बॉलों में यहाँ पर 43 रन बनाकर खेल रही है। उसी के साथ में डॉटन की अगर मैं बात करता हूँ तो डॉटन भी 4 बॉलों में पर 4 गेंदों में दोस्तों यहाँ से 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर देखा जाएगा दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी को जारी रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें कि 5 यहाँ से क्योंकि 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 17 ओवर के बाद दोस्तों टीम का स्कोर बना है 103 पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहाँ से जो कि 15 गेंदों का खेल क्योंकि और बचा है, 15 गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन यहाँ से बटोर लिए जाते हैं दोस्तों दोनों इस्तेमाल टीमों के द्वारा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर फिर से तैयार है, सामना फिर से करा जाएगा दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी तो यहाँ पर चालू हुआ रखी है और मैनचेस्टर वुमेन की टीम पहुँच चुकी है दोस्तों 104 पर 2 विकेट के नुकसान पर। 86 बॉलों का खेल हो चुका है और डॉटिंग 4 बॉलों में दोस्तों 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। उसी समय लोका वोल्टा की टीम दोस्तों बता दें कि 37 बॉलों में वापस पहुँच चुके हैं 44 पर, क्योंकि वहाँ पर 6 रन दूर हैं और यहाँ पर डॉटिंग के पास स्ट्राइक है वेल दोस्तों अपना क्योंकि चौथा ओवर लेकर आती हुई दोस्तों यहाँ पर जो कि बैल के सामने डॉट इन देखा जाएगा। अगली बॉल दोस्तों यहाँ पर क्या करने की और यहाँ पर पैर को निकाला स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, मगर यहाँ पर बीट हो जाएंगी और इसी बीट के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 104 के निजी स्कोर पर ही रहेगा दोस्तों स्कोर। और सिर्फ यहाँ पर 13 बॉलों का खेल और शेष बचा है और 13 बॉलों के खेल में देखेंगे कि और कितने रन बटोर लिए जाते हैं दोस्तों डॉट इन और यहाँ पर लौका के द्वारा। और एक बार फिर से दोस्तों बैल की अगर मैं बात करता हूं तो बैल 17 बॉलों में यहां पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं एक के यहां पर क्योंकि एक रन के। और एक बार फिर से दोस्तों डॉटन के पास स्ट्राइक है, डॉटन अगली बॉल लेकर तैयार है, देखा ना होगा। फिर से दोस्तों बता दें कि यहां पर इस बार दोस्तों बता दें कि कदमों का इस्तेमाल लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश, ये बच कैसे गई गेंद, बिल्कुल मारने वाली थी। और बैल भी दोस्तों बता दें कि यहां पर जो कि थोड़े से अचंभे रह गए क्योंकि ये गेंद दोस्तों बता दें कि ये गेंद बिल्कुल मारने वाली थी, बिल्कुल दोस्तों लेंथ गेंद थी और यहाँ पर डॉटन ने लेंथ गेंद को दोस्तों बता दें कैसे यहाँ पर छोड़ दिया और डॉट गेंद भाई यहाँ पर बहुत पहले दोस्तों कूद गई थी और स्पीड के साथ यहाँ पर गेंद निकल गई। और यहाँ पर जो कि 3 गेंदें हो चुकी हैं बैल की, तो बैल ने अभी तक यहाँ पर दूसरी पॉसिटी पे एक ही रन दिया है और लास्ट के 12 बॉलों का खेल और बचा है, लास्ट की 12 बॉलों का खेल और बचा है, देखा जाएगा कि लास्ट की 12 बॉलों में और कितने रन यहाँ से बटोर लिए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं, सामने हैं दोस्तों बल्लेबाज एक बार फिर से डॉटन, और इस बार डॉटन बताएं दोस्तों बता दें कि डॉटन अगली बॉल यहां पर उठा दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है मगर यहां पर कैच छोड़ दिया गया है, गेंद नहीं गई दोस्तों बता दें कि यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से और यहां पर बल्ला भी नीचे घुमा था बिल्कुल दोस्तों बता दें कि यॉर्कर करने की कोशिश थी, यॉर्कर से पहले थोड़ी यहां पर एक इंच पहले गिरी और यहां पर बल्ले का भाग लगाओ, बल्ले के भाग के साथ दोस्तों गेंद तो काफ़ी ऊँची गई थी और फील्डर तो 30 यार्ड के अंदर थे तो यहाँ पर पीछा कर रहे थे दोस्तों, कैच छोड़ दिया था। और इसी के साथ में यहाँ पर जो कि चौथी बॉल पर यहाँ पर आसानी से एक रन देखने को मिलेगा, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 105 पर। और आखिरी बॉल पर एक और आसानी से रन, इसी एक आसानी के रन के साथ दोस्तों दादी की आसानी से देखने को मिला, पहला रन तो तेज़ी से दौड़ लिया, क्या दूसरा रन भी तेज़ी से दौड़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों दादी की यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर जो कि पहला रन तो तेज़ी से दौड़ रहा था मिस फील्डिंग के चलते दोस्तों, दूसरा रन भी दौड़ लेंगे तेज़ी से। और इसी साल में वोल्टा के पास स्ट्राइक रहेगी, वोल्टा की टीम दोस्तों दादी की यहाँ पर वोल्टा पहुँच चुके हैं 46 पर 38 बॉलों में। और हम चाहेंगे दोस्तों बता दें कि लास्ट की जो यहाँ पर जो गेंदें हैं 10 गेंदें बची हैं, लास्ट की 10 गेंदों में देखेंगे कि और कितने रन यहाँ से बटोर लिए जाते हैं। और हम चाहेंगे दोस्तों बता दें कि तेज़ गति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करी जाए, बिल्कुल तेज़ गति के साथ दोस्तों बल्लेबाजी करी जाए। और हम चाहेंगे दोस्तों इसी के साथ दोस्तों बता दें कि इस टीम को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और मैच से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है दोस्तों तो वहाँ पर भेजते ज़रूर रहिएगा दोस्तों हमारे लोगों के पास।
और ठीक था दोस्तों, तारीख की टीम का स्कोर हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ अगर दोस्तों तारीख अगर स्कोर बोर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने स्कोर बोर्ड की दोस्तों तारीख एडवांस सेटिंग में जाकर अपनी जो क्वालिटी है दोस्तों उसको यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि टीम का स्कोर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो 107 पर 2 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन तरीके से दोस्तों बल्लेबाजी यहाँ पर चाल नज़र आ रही है। एक बार फिर तो दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार हैं। देखा जाएगा कि अगली बॉल पर हम किस तरह करेंगे। यहाँ पर डॉटन के पास यहाँ पर स्ट्राइक है और डॉटन यहाँ पर अगली बॉल लेकर तैयार है। यहाँ पर सर बोल लूँ दोस्तों अगली बॉल डॉटन यहाँ पर खड़े खड़े दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश, मगर यहाँ पर डॉट गेंद और डॉट गेंद के साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट दोस्तों उठा दे कि यहाँ पर डॉटन लगातार दोस्तों यहाँ पर जो कि स्ट्रगल करते नजर आई थी। और एक बार फिर से दोस्तों डॉटन के बल्ले से जो रन है वो नहीं निकले और कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें कि ये बहुत बड़ी यहाँ पर जो कि उपलब्धि हमें देखने को मिली। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत यहाँ पर बेहतरीन दोस्तों बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही थी दोस्तों। जब यहाँ पर मॉरिस और बोल्टा के यहाँ पर खेल रहे थे, मॉरिस आउट हुए उसके बाद दोस्तों बता दें कि लगातार यहाँ पर जो रन रेट है दोस्तों वो गिरते नजर आ रहा था। और यहाँ पर बता दें दोस्तों डॉटिन आए और डॉटिन दोस्तों बता दें कि यहाँ से अपना विकेट दोस्तों 8 बॉलों का सामना करते हुए मात्र 204 रन बनाए और उसी 4 रन के साथ यहाँ पर जो कि अपना विकेट है दोस्तों यहाँ पर सर बॉल्स को यहाँ पर देती हुई जाएगी। और इसी के साथ में यहाँ पर 107 के निजी स्कोर पर गिराएगा विकेट और इसी विकेट के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर 91 बॉलों का खेल बचा हो चुका है, लास्ट की 9 गेंदों का खेल और बचा है। देखेंगे कि लास्ट की 9 गेंदों के यहाँ पर खेल में और कितने रन यहाँ से बटोर लिए जाते हैं दोस्तों। और देखा जाएगा कि और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन से गेंदबाज यहाँ पर जॉलियस दोस्तों आ चुकी है यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। और जॉलियस भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लगातार अच्छी यहाँ पर जो कि शुरुआत, अगर मैं 100 लीग की अगर मैं बात करता तो 100 लीग में दोस्तों बता दें कि शुरुआती 3-4 मुकाबले में जॉलियस ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करी थी। और जैसे जैसे दोस्तों बता दें कि 100 लीग का जो सीज़न है वो आगे बढ़ता रहा दोस्तों, वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर इनका जो लेंथ जो इनकी फॉर्म है वो जाती रही। और इसी समय इस ओवर की दूसरी बॉल है, सामना फिर से करा जाएगा दोस्तों यहाँ पर जॉलियस के द्वारा। और जॉलियस की अगर मैं बात करता हूँ और इसके साथ दोस्तों अगली बॉल यहाँ पर जो कि ओवर द विकेट से लेकर आए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों बता दें कि एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, आसानी से एक रन प्राप्त करेंगे। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 108 पर 3 विकेट के नुकसान पर और 92 बॉलों का खेल हो चुका है। एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर लोका बोल्टा के पास स्ट्राइक आ चुके हैं और लोका बोल्टा की भी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मगर यहाँ पर क्या बेहतरीन गेंदबाजी। पहले दोस्तों बता दें कि यहाँ पर डॉट इन आप दोस्तों यहाँ पर लोका आपस जाएंगे बैक टू बैक दोस्तों 2 गेंदों पर 2 विकेट लगातार दोस्तों बता दें कि बिल्कुल यहाँ पर मैनचेस्टर वुमेन बिल्कुल इनकी जो बल्लेबाजी है वो कॉलैप्स नज़र आ रही है। और क्या बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी चलती नजर आ रही है, बहुत बड़े विकेट दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो कि बॉल टाउ जब यहाँ पर मोरी की टीम दोस्तों बता दें मोरी बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक समय ऐसा लग रहा था दोस्तों कि जो मैनचेस्टर की टीम है वो बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी कर सकती है, मगर यहाँ पर क्या करें दोस्तों बता दें कि यहाँ पर विकेट हमें देखने को मिले। और इसी साल में टीम का स्कोर हो चुका है दोस्तों 108 पर 4 विकेट के नुकसान पर और 93 गेंदों में दोस्तों बता दें कि 93 बॉल्स के अगर 93 बॉल्स यहाँ पर हो चुके हैं, लास्ट की 7 बॉलें और बची हैं और लास्ट की 7 बॉलों में देखा जाए कि इनकी और कितने रन यहाँ से बटोर लिए जाते हैं दोस्तों अगर मैं बात करूँ। और अभी भी दोस्तों बता दें कि 7 बॉलें हो चुकी है। इसी साल दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आ चुके हैं गेंदबाजी एक बार फिर से दोस्तों लेकर यहाँ पर वो कि ब्रेव आ चुके हैं दोस्तों गेंदबाजी बल्लेबाजी करने के लिए। ब्रेव ने यहाँ पर इस ओवर की 4th बॉल खेलेंगे और 4th बॉल पर यहाँ पर आसानी से सिंगल लेंगे। इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 109 पर 4 विकेट के नुकसान पर। 94 गेंदों का खेल हो चुका है, 94 के बाद लास्ट 6 गेंदें और बची हैं, लास्ट की 6 गेंदें और बची हैं। देखा जाएगा कि लास्ट की 6 गेंदों में और कितने रन यहाँ से बटोर लेते हैं दोस्तों दोनों बल्लेबाज। और दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों बता दें कि 1-1 गेंदों का सामना करा है और यहाँ पर ज़्यादा रन दोस्तों बटोर नहीं पाए हैं। और अभी भी दोस्तों देखना होगा कि और कितने रन यहाँ से बटोर लेते हैं दोनों बल्लेबाज की अगर मैं बात करूँ तो। इसी के साथ दोस्तों अगली बॉल लेकर तैयार है इस ओवर के दोस्तों बता रहे कि यहाँ से जो कि 5वीं बॉल है इस ओवर की आखिरी बॉल और आखिरी बॉल पर दोस्तों बता रहे कि कर्मों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश और आसानी से दोस्तों 2 रन प्राप्त करेंगे। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 111 पर 4 विकेट के स्थान पर। और बहुत बढ़िया दोस्तों बल्लेबाजी यहाँ पर नहीं कर पाई है मैनचेस्टर जो कि मैनचेस्टर ओजलैंड की टीम वुमेन की टीम। और कहीं हम चाहेंगे दोस्तों बता दें कि जो 100 डिग्री की टीम है दोस्तों वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए हमें नज़र आए। और अभी भी दोस्तों यहाँ पर मौका है कि यहाँ पर अगर बल्लेबाजी मैनचेस्टर वुमेन्स की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी दोस्तों अच्छी तरीके से नहीं कर पाई, क्या यहाँ पर बल्लेबाजी दोस्तों बता दें कि गेंदबाजी की अच्छी तरीके से यहाँ पर कर लेगी वो देखने का। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर मैं अभी 5 बॉल बची है 5 बॉल में देखेंगे कि और कितने रन यहाँ से बटोर लेते हैं दोस्तों।
और एक बार फिर से दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो अभी तक दोस्तों बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। और अभी तक दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जिन लोगों ने दोस्तों बता दें कि यहाँ पर अगर मैनचेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो मैनचेस्टर में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो मैंस की टीम है वो बहुत अच्छी तगड़ी है, बहुत अच्छी तगड़ी है दोस्तों।